I thank God for today's encouraging words. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित शब्दों के लिए. So throughout these weeks we are meditating on how to bear fruits for our God. तो ये पूरे हफ्ते हम लोग मनन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर की ओर हमें फल लाना है. So what abstains us from giving fruit? तो ये क्या चीजें हैं जो हमें रोकती है ये फल आगे लाने से? It is our sin. ये है हमारा पाप. Sin separates us from God. पाप ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से जुदा करता है. So in how many ways a man can sin? तो कितने सारे ऐसे अनेक मार्ग है या तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति पाप कर सकता है? How devil deceive us we may do sin. कैसे शैतान आके हमें धोखा दे सकता है ताकि हम लोग पाप में पड़े? Psalms one. भजन संगीता एक. भजन संगीता एक. Verse one onwards. वाक्य एक से. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है. सो फर्स्ट ही डस नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ अनगॉडली. तो सबसे पहला ये कि आशीषित व्यक्ति वो है जो दुष्ट लोगों की सलाह के अनुसार नहीं चलता. सो वी मे बी वी मे डोंट वॉन्ट टू सिन. हो सकता है कि हमें खुद से पाप नहीं करना है. बट फ्रॉम आवर ओल्डली पीपल लाइक ऑफिस और रिलेटिव्स अनबिलीवर्स मे से समथिंग. लेकिन हो सकता है कि हमारे जो अविश्वासी लोग रहते हैं इर्द गिर्द रिश्तेदार ऑफिस के सहयोगी वो कुछ कहेंगे जिससे हम लोग पाप कर बैठे. सो दैट इज देयर गिविंग काउंसिल. तो वो है उनकी ओर से आने वाली सलाह. हु टोल्ड यू कैन सी फैमिली फिल्म्स? तो वो आके तुमसे कहेंगे किसने बोला तुम्हें कि पिक्चर देखना खराब है? तुम जो पारिवारिक पिक्चर है वो देख सकते हो. इट इज अबाउट ओनली फादर्स लव टुवर्ड्स डॉटर. वो जो पिक्चर है उसमें सिर्फ जो पिता है उसका जो प्रेम है अपने बच्चों की ओर उसके बारे में दिखाया गया है. दैट सीरियल इज अबाउट फैमिली, हाउ टू लिव हैप्पी फैमिली. वो जो सीरियल है वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा पारिवारिक जीवन एक व्यक्ति जी सकता है. व्हाट इज लाइफ इफ यू डोंट हैव टीवी? तो ये जीवन क्या है यदि तुम्हारे घर में टीवी भी नहीं हो? ऑलवेज चर्च बाइबल हियरिंग वर्ड्स गेट बोरिंग. हमेशा बस कलेशा परमेश्वर का वचन पढ़ना सुनना ये तो बहुत ही पकाव जीवन है. That is the counsel of ungodly. तो ये है दुष्ट लोगों की सलाह. They don't follow the ways of God. वो लोग को परमेश्वर के मार्गों पे नहीं चलना है. They don't know the ways of God. वो लोग परमेश्वर के मार्गों को नहीं जानते. So if we hear such counsels, तो यदि हम लोग ऐसे सलाह की ओर सुनेंगे, don't follow that. तो हमें उसको सुनना नहीं है, उसका पालन नहीं करना है. That is the thing. Proverb chapter one. यही चीज नीति वचन में भी लिखा गया है. चैप्टर एक, नीति वचन चैप्टर एक, वर्स 10, वाक्य 10. माय सन, इफ सिनर्स एंटाइस यू, डू नॉट कंसर्न. हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना. सिनर्स विल ऑलवेज एंटाइस अस. तो पापी लोग जो है वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें वो फुसलाए. The whole world is doing that. पूरा जो दुनिया है यही कर रहा है. Why can't you do? तुम क्यों नहीं कर रहे? All people are coming late to office. बाकी सब लोग तो दफ्तर में लेट आते हैं. Leaving office early. और ऑफिस से जल्दी चले जाते हैं. Why can't you do? तुम क्यों नहीं कर सकते? Like this, so many counsels are there, my dear brothers. तो इसी तरीके से कितने सारे अलग अलग सलाह हमारे जीवन में आते हैं भाई और बहनों. Don't concern. तो ये सारे we should not concern. तो हम लोग को उसकी सलाह नहीं सुननी है. Learn. Say to no. हमें सीखना है ना बोलने के लिए. By this way we can sin. तो ये ऐसा नहीं करने से हम लोग पाप में गिर सकते हैं. So nor stands in the path of sinners.
और वही वचन में लिखा है भजन संहिता 1:1 में कि ऐसा व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता. So as we heard, if we stand in the path of sinners, we learn the sinful ways. तो जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना कि यदि हम लोग पापियों के मार्ग में खड़े रहेंगे तो उनके जो चाल चलन है वो सीख लेंगे. So once I went to once meeting was there in New Mumbai. तो एक बार मैं मीटिंग में गया था नवी मुंबई में. So I searching the hall. तो मैं हॉल ढूंढ रहा था. Then on the way some people are playing three cards. तो मैं जा रहा था रास्ते पे तो देखा कि कुछ लोग पत्ते खेल रहे थे. Just I stand for 1 minute. तो मैं वहाँ पे 1 minute के लिए खड़ा हो गया. Then card they are changing card 100 rupees 200 rupees. और लोग पत्ते खेल रहे हैं 100-200 rupees निकाल रहे हैं. But it is he is showing paisa and closing. तो वो पैसा दिखा रहा है और फिर बंद कर रहा है. Asking which number that 100 rupees is there. और वो फिर पूछ रहा है कि कौन से नंबर के पीछे 100 rupees है. I saw. मैंने देखा. I was tempted to say is this double. और उस समय मुझे भी ऐसा मन हुआ कि मैं बोलूं कि ये पत्ते के पीछे है. You see, within few minutes, I was attracted towards that sin. तो जैसे हमने देखा कि कुछ ही मिनटों में मुझे अंदर भी लुभावना आ गया वो पाप में पड़ने के लिए. That is why we should not stand in the path of sinners. और इसलिए हमें पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं रहना है. If you know this is sinful ways, you don't go that way. You turn back. यदि तुम जानते हो कि ये जो मार्ग है पाप की ओर लेके जाता है तो तुम वहाँ पे खड़े भी मत रहो, वहाँ से मुड़ जाओ. That is the thing. Isaiah chapter 15. यही चीज हम लोग यशाया चैप्टर 15 में पढ़ते हैं. यरमिया चैप्टर 15 में. नो 15:17. यरमिया चैप्टर 15 उसमें वाक्य 17. यरमिया 15 उसमें वाक्य 17. आई डिड नॉट सिट इन द असेंबली ऑफ मॉकर्स. तेरी इच्छा मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ. नॉर डिड आई रिजाइस आई सेट अलोंग बिकॉज ऑफ योर हैंड. क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था. यू सी वी शुड नॉट स्टैंड और वी शुड नॉट सिट मीन्स sitting along with the sinners. तो हमें उनके मार्गों में खड़ा भी नहीं होना है, उनके बीच बैठना भी नहीं है. बैठने का मतलब क्या कि उनके साथ संगति में रहना. Sitting in the company of sinners. तो पापियों के संगति में बैठना. Or making time pass with that assembly of the sinners. और पापियों के सभा के बीच में ज़्यादा समय बिताना. If we do so, we will definitely fall into sin. क्योंकि यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो ज़रूर फिर पाप में पड़ेंगे. That is why, what shall we do? तो हमें क्या करना है? Verse 2. वाक्य 2 में जाएंगे. भजन संगीता चैप्टर 1 वाक्य 2. His delight is in the law of Lord. ये जो व्यक्ति है उसका जो प्रसन्न है वो परमेश्वर की व्यवस्था में है. He meditates his law day and night. और उसकी व्यवस्था के ऊपर वो रात दिन ध्यान करता है. This is the only way to escape from all our sins. ये एक ही तरीका है जिससे हम सारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं. Because God's ways, God's words, God's commandments lead us away from sin. क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसके आदेश, उसके जो मार्ग है, हमें पाप से दूर लेके जाते हैं. That is the thing David says. और इसलिए दाऊद कहता है 119:11. 119 वाक्य 11. I have hidden your words in my heart. तेरे जो वचनों हैं मैंने उसको मेरे मन में छिपाए रखे हैं. So that I cannot sin against you. ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं. Your word is lamp to my feet. और तेरे जो शब्द है वो मेरे पैरों के लिए एक ज्योति समान है. Light to my path. और मेरे मेरे मार्ग के लिए एक ज्योति है. Word of God is like that, my brothers and sisters. So, परमेश्वर के वचन ऐसे हैं भाई और बहनों. One place he is telling, your word is sweeter than honey. और एक जगह पे दाऊद कहता है कि तेरे जो वचन हैं वो इससे भी शहद से भी मीठे हैं. Your word is precious or valuable, more valuable than gold and silver. तेरे जो वचन हैं वो सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती हैं. Is that case for our life. क्या हमारे जीवन में भी हम लोग परमेश्वर के वचन को इसी तरीके से मोलते हैं? What things delights us? हमें कौन से चीजों में आनंद मिलता है? It is God's word
क्या वो परमेश्वर का वचन है? Are the worldly things? या संसार की चीजें हैं? Riches? धन संपत्ति? Big post? बड़ा स्थान? What else? और क्या? If we delights other than God's word, there is a chance to fall in sin. तो यदि हम लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ के और कोई भी चीज में आनंद ले तो हो सकता है हम लोग पाप में गिरे. Our delights depends upon how much hungry of God's word. तो हमारा जो खुश होने का जो ये है कि जितना हम लोग खुश होते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, वो इसके ऊपर निर्भर है कि हम लोग कितने भूखे हैं उसके लिए. How much thirsty? कितना हम प्यासे हैं उसके लिए. David says day and night. दाऊद कहता है रात और दिन. I wake up midnight and meditating his words. वो कहता है कि रात के बीच में भी जब मैं उठता हूँ तो उसके व्यवस्था के ऊपर मनन करता हूँ. What a wonderful blessing it is. क्या आशीष है ये हम लोग देखते हैं. Jeremiah चैप्टर में वापस जाएंगे. Jeremiah पुस्तक में Jeremiah 15 सेम चैप्टर 15 एंड वर्स 16. Jeremiah चैप्टर 15 वाक्य 16. Your words were found and ate them. And your words was to me the joy and rejoicing of my heart. Jeremiah 15 उसमें 16. जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए. Your word I ate it. तेरे वचन को मैंने खा लिया. That is the thing Jesus also tell us. God's word is living bread. और प्रभु यीशु ने भी यही चीज हमसे कहा कि परमेश्वर के जो वचन है वो जीवित शब्द हैं. If we see Job, आयुब के पुस्तक में जाएंगे. Very interesting, brothers and sisters. बहुत ही दिलचस्प है ये भाई. How godly man treated God's word. कैसे जो धार्मिक लोग हैं वो परमेश्वर के वचनों को किस तरीके से देखते थे. Job chapter 23 verse 12. Job. आयुब. आयुब chapter 23. Chapter 23. Verse 12. वाक्य 12. आयुब 23 वाक्य 12. I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जान कर सुरक्षित रखे. God's word is more than my food. परमेश्वर के जो वचन है वो खाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए. It should become true to our lives, brothers and sisters. ये चीज हमारे जीवन में भी सच होना चाहिए भाई और बहनों. May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष करे.